सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों के लिए रिलीज हुआ गाना हर हर शंभू सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। मुस्लिम होकर शिव भजन गाने पर सिंगर फरमानी नाज को ट्रोल भी किया गया था। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे गुनाह तक बता दिया था। फरमानी का वैसे तो इन धमकियों पर रिएक्शन आ चुका है। अब फरमानी ने अपने नए ब्लॉग में उनके आलोचना करने वालों को जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि हर हर शंभू गाने को बनाना कितना मुश्किल था उनके लिए। फरमानी नाज ने बताया कि उन्होंने इस गाने के लिए काफी मेहनत की। इसमें इतनी मुश्किल शब्द थे जो बोलने में उन्हें बहुत देर लगी। इस गाने को बनाने में म्यूजिक टीचर परविंदर ने फरमानी की काफी मदद की। शिव स्रोत का सही उच्चारण कैसे करना है, कैसे गाना है, ये सब फरमानी को परविंदर ने ही बताया। फरमानी ने हिंदी और उर्दू सीखी है लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ी है, इसलिए उन्हें संस्कृत के शब्द बोलने में दिक्कत हो रही थी। फरमानी ने गाने से पहले ज्यादा से ज्यादा मेहनत की और नतीजा सबके सामने है। हर हर शंभू गाने में फरमानी ने हर एक मंत्र का सही उच्चारण किया है। गाने का म्यूजिक एक रात में 10 से 12 घंटे में बना जो परविंदर ने बनाया। फरमानी हर हर शंभू गाना गुनगुना रही थी। फरमानी को ये गाना गाता देख उनकी टीम के मेंबर राहुल ने सोचा क्यों ना फरमानी की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड किया जाए। फिर राहुल परविंदर के पास गए और 6-7 घंटे में पूरा ट्रैक बना। ट्रैक बनने के बाद वीडियो शूट हुआ जिसमें 2 घंटे लगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस गाने को बनाने में 24 से 25 घंटे लगे थे। बता दें ओरिजिनल हर हर शंभू गाना अभिलिप्सा पांडा और जीतू शर्मा ने गाया है। हर हर शंभू गाने को जीतू शर्मा ने 5 मई को वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube पर अपलोड किया था। शुरुआत में गाने को दर्शकों का रिस्पांस नहीं मिला लेकिन कुछ हफ्तों बाद गाने को बहुत सारे व्यूज मिले। बता दें YouTube पर इस वीडियो को 72 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसके अलावा फरमानी नाज द्वारा गाए गए गाने को भी 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।